सुल्तान मल्टीमीडिया 786 चैनल देख रहे सारी संगत नूं जय पीरां दी। इस वीडियो विच असीं तुहानूं एक कामल फकीर ते एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का किस्सा दसण जा रहे हैं। साध संगत जी, एक अल्लाह दे कामल फकीर होए हन, वो की करिया करदे सी? जिस भी खूबसूरत चेहरे नूं देखदे कहिंदे वाह परवरदिगार अल्लाह, तूं इह चेहरे किन्ने खूबसूरत बणाउंदा है, एक दूजे दे नाल मिलण नहीं दिंदा। ते वो इसे तरह ही अपनी बंदगी करिया करदे सी। एक दिन वो फकीर शहर के तुरे जा रहे तो उन्हों का ध्यान एक लड़की पर पिया जिहड़ी कि अपने महलों के खड़ी बाल सुका रही सी। तो वह लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी। तो उस फकीर ने उस लड़की वाल देख के कहा कि वाह परवरदिगार अल्लाह, ये लड़की कितनी खूबसूरत आ, लगता इसनू बना के तू हुणे ही धरती पर भेजा है, ये कितनी सोहनी आ। तो इस तरह अपनी बंदगी कर रहे साध संगत जी। इत्थे असीं तुहानूं दस देना चाहुंदे हां कि खूबसूरत चेहरे का मतलब जिहदा मन पवित्र होवे, जिहदे दिल विच दूसरियां लई दया होवे, ते जे जिहड़ा रब की बंदगी करने वाला होवे उस चेहरे नूं खूबसूरत चेहरा कहा जाता है। सो वो फकीर इस तरह उस लड़की वल देख के कह रहे हन ते अपनी बंदगी कर रहे सन। ते उत्थे कोल बैठे लोगों ने उस फकीर नूं कहा कि बाबा सारा दिन लोगों के चेहरे ही देखता है कि उस खुदा की बंदगी भी करता है। तो उस फकीर ने कहा कि मैं ये तस्वीर दाने नहीं फेरता, मैं अल्लाह के बनाए हुए चेहरों के बीच अपने यार नूं देखता हाँ तो मेरी बंदगी हो जाती है। वो फकीर हाले लोगों के नाल गल्लां ही कर रहे सन। तो उस कुड़ी का ध्यान उस फकीर ते गया ते कुड़ी नूं इंज लग्या कि फकीर उस दे नाल मजाक कर रहा है। तो उस लड़की ने अपने मालक नूं आवाज़ दे के कहा कि ऐ मेरे मालिक, वो फकीर मेरे वल गंदी निगाह नाल देखता है, वह मैनूं छेड़ रहा है। तो उसका मालक गुस्से दे विच पौड़ियां उतर के थले आया ते आके फकीर नूं बहुत ही मंदा चंगा बोलिया। तो उस फकीर दे दो चार जुत्ते भी मार दिते। तो फकीर ने खुदा वल नूं देख के कहा कि वाह परवरदिगार अल्लाह, जिहड़े तेरियां सूरतां नूं प्यार करदे हन उन्हां दे जुत्ते पैंदे हन, मेरा की है गरीब दा जाना धक्के पैणे तेरे नाम नूं। जदों फकीर ने इन्नी गल कही तो उसकी फरियाद खुदा दे घर मंजूर होई। तो वह कुड़ी का मालक पौड़ियां चढ़ के जा रहा सी, उसका पैर तिलकिया तो वह पौड़ियां तो थले आके डिगा तो उसकी मौत हो गई। जदों ये कुड़ी ने देखा तो उसने रौला पा दिता कि इस फकीर ने मेरे मालक नूं मार दिता है। तो उत्थे खड़े लोगों ने पूछा कि बाबा इस कुड़ी के मालक नूं तू मारिया है? तो उस फकीर ने कहा कि मैं कौन हुंदा हाँ मारने वाला? तो लोगों ने कहा कि बाबा ये गल हुई तो हुई किदा? तो उस फकीर ने कहा कि ये जो मरिया पिया है ये इस कुड़ी का मालक है, तो इसने मेरे आके जुत्ते मारे, पर मेरा भी तो कोई मालक है। इस कुड़ी के मालक ने मेरे जुत्ते मारे तो मेरे मालक नूं गुस्सा आया तो वह आके झगड़ा मिटा गया। तो ये सुन के लोग बहुत हैरान होए। सो साध संगत जी, सानू किसी भी पीर फकीर नूं मंदा चंगा नहीं बोलना चाहिए। जे असी किसी की इज्जत नहीं कर सकते तो सानू किसी की बेइज्जती भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिन्नियां भी सूरतां इस धरती ते घूमदियां हन सारियां अल्लाह दियां बनाईयां होईयां हन। हर एक दे विच खुदा वापस इस धरती ते आउंदा है। इस करके सानू किसी भी फकीर नूं मंदा चंगा नहीं बोलना चाहिए है, सानू भी उसनू खुदा का ही बंदा समझना चाहिए है। सो इस करके सारे फकीरां दी सानू इज्जत करनी चाहिए है, तां जो अल्लाह भी साढ़े ते खुश रहे ते साढ़े सारियां तकलीफां नूं दूर करदा रहे। जयकारा अल्लाह दे वलियां दा, बोल सच्चे दरबार की जय।